मेरा कलर खराब हो गया, ओ माय गॉश। पैरों के अंदर रोड़े जो है डलना शुरू हो गए। अर्शियान से हम लोग करवा रहे हैं मेहनत, अर्शियान को हमने खड़ा है ईंटों की तराई करने के लिए। हमारा सारा काम हो गया बाइंड अप और ये एरे वगैरह आपके सामने कुछ। अभी मैंने आगे पाइप की कमान संभाल ली है। उनके सॉफ्टवेयर वेट कर जरा, उनकी चाबी घुमा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैजानी अल हफीज। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। ये खुदाई का जो अमल है वो आप कह लेंगे 90% ओके हो गया। बस एक फ्रंट वाली जो बार है, ये बेडरूम वाली और साथ उसके ड्राइंग रूम वाली, वो वाली दीवार है वो वाली, इसका काम थोड़ा बाकी है। बाकी उस साइड पर गिराज है, खैर गिराज की तो ज़्यादा खुदाई कोई नहीं है। तो ये वाले जो हमारे एरे हैं ये आप देख लेंगे, हमारी मेन बैक वाली दीवार, ये सामने बाथरूम, किचन, बेड और वाशरूम, फिर इधर से गिराज, ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया इसकी खुदाई हो चुकी है। और अभी बाहर वाली तरफ रोड़ा कुटाई हो रही है, फिर सामने जो ईंटें वगैरह हैं वो इन जगहों पर ईंटें लगवाएंगे, और ये जो एरे हैं इनके अंदर रोड़ा वगैरह डलवाएंगे। कुटाई का अमल होगा कुटाई के बाद। फिर मिस्त्री साहब, जो मिस्त्री साहब अभी वारिस के घर पर है, वो वारिस की बैठक तामीर कर रहे हैं। वारिस की बैठक तामीर का उन्होंने कहा है कि हफ्ते बार में आ जाऊँगा, जुम्मे मतलब कुछ दिनों लगा रहे हैं, आज जुमेरात है, कल के दिन वो लगाएंगे। तो हफ्ते इतवार को हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम लोगों ने सामने जो मजदूर खड़े हैं अपना कमरा तैयार करवा रहे हैं, हर चीज़ का इस्तंभू बना देंगे। तो हवा में रुकता नहीं, उसके अलावा हमें सामान वगैरह सोलर प्लेट लेके जानी, ट्राली लेके जानी, कुर्सियाँ लेके जानी, बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरा जो प्लान था एक बार के बाहर जाने का, जा सका क्योंकि मकान की वजह से, और सोलर वगैरह भरा है ठंडे पानी का, बर्फ़ इसमें डाली हुई है। ये मैं वायरिंग टेप लेकर आया हूँ, क्योंकि उस जगह पर जो हमारे ड्राइंग रूम है, कह लें बैठक है, उसको थोड़ा सा 1.5-2 फुट हमने आगे बढ़ाना है, जहाँ पर ये मजदूर ये वाला खड़ा है, ये दूसरे लाल पट्टी वाला। सेठ अर्शियान साहब ने भी आकर हमें ज्वाइन कर लिया, हमने इनकी ड्यूटी दे दी है कि बेटा जो इसका काम उसी को साथ आप अपना काम करें। यार मेरे जो बाल हैं ना, मेरे बाल इतने गंदे और इतने रफ़ हो रहे हैं ना, यकीन जाने मुझे एक तो माइक के पास जाने का टाइम नहीं मिल रहा, और दूसरा ये कि अगर मैं चला गया तो मुझे छोटे करवाने पड़ेंगे। मेरा दिल है नहीं बाल छोटे कराने का, और बड़े बाल मैं रखता हूँ, चाह रहा हूँ रखूँ, लेकिन बड़े बाल मेरे टिकते नहीं, इतने डैमेज हुए बड़े हैं इतने। अर्शियान को मैंने कहा सूट बदल के, बेटा सफेद सफेद सूट पहन के फ्लैट में आके खड़ गया, तुमने कुछ काम करना सुबह सूट पहन फ्लैट में खड़े। फिर अभी गए जाकर, बड़े लोग बड़ी सोचे। यहाँ पर सफियान का दिया हुआ जूस में इंजॉय कर रहा हूँ, साथ में चलती हवा, और ये मेरे गंदे बाल जो कि संभलने का नाम नहीं लेता, इन्हें बिठाओ ये फिर उठ जाते हैं, मजा ले बैठे। मैं आया हुआ था घर दोपहर के टाइम, चाय वगैरह पीने के लिए मजदूरों के लिए चाय भिजवाई है, वो चाय सफियान और रघु लेकर चले गए थे, फिर अर्शियान में बैठा था, फिर अर्शियान को वहाँ से भेजा। अभी मैं चाय पी के जा रहा हूँ प्लॉट पर, और खुदाई का काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो है एरे हैं उनके अंदर जो रोड़ा था तो वो अभी वो लोग डालने लगे हैं, तो चले चलते हैं। मुझे ख्याल बुला लिया गया कि बेटा आज नशा में आ रहा हूँ, पहुँचा अभी। जिस वाले मकान पे हमारी रिहाइश है इस टाइम पे, इससे हमारा जो प्लाट है वो तकरीबन 1-1.5 मिनट के फासले पर है, और अगर पैदल आप जाएँ तो 2-3 मिनट में पहुँच जाते हैं, मतलब नज़दीक ही पड़ता है। शाम को ये वाली बाइक देंगे, छोटे वाली मैं लेके चलता हूँ, पहले दरवाज़ा खोलेंगे, दरवाज़ा खोल के बड़ी तेज है, और हाय 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 हाय, कूलर के अंदर बंदा बैठा रहे वही ठीक है, बाहर बंदा निकले भी ना। ये जी सारे एरे जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, और खुदाई भी हो गई है। यहाँ पर जो है ये रोड़े भी डलने पड़ गए हैं, और ये कमरों की सूरत हाल जो कि बाद में निकलेगी, इधर ये ट्राली डल गई है, उधर वहाँ से भी ट्राली डल रही है। ये वाला जो है एरा, ये वाला भी हो गया है, ये वाला आके बैठे थक के, और मैं पहले का थका बैठा हूँ। इस टाइम सफियान जो है, सफियान वहाँ पे पानी मार रहा है, ईंटों की तरह कर रहा है, और क्योंकि ईंटें वगैरह कुछ अभी जो लास्ट वाली दीवार है वो वाली खड़ी करवानी है, इस वजह से ईंटें भी साथ लगवानी है। रंग मेरा आप देखें कितना VIP आ रहा है फोन में। अब मैं पैसे आ गया हूँ अपनी ड्यूटी पर, वहाँ पर सामने ट्राली में भरा जा रहा है रोड़ा, वो डला जा रहा है, यहाँ पर मैं जो हूँ मैं ईंटों की तरह कर रहा हूँ। ये जी सामने अर्शियान साहब जो है ना अपने हाथ का डिफरेंस बता रहे हैं कि मैं एक दिन आया हूँ काम करने के लिए और मेरा हाथ का आप देखिए कलर क्या हो गया, शर्म नहीं आती? अच्छा ये बता, नजर आ रहा है? अच्छा एक बात आपको बता दूँ, अलग अलग कमरे की डिमांड इनकी है, अलग अलग कमरे ये मांगते हैं, तुम्हें मांगता तुम्हें, मैं गैराज में सोने वाला बंदा हूँ, मैं गैराज में भी सो जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरा मोबाइल अभी ढाता था, अब कह रहा जी देखिए मेरी मेरी मेरा कलर खराब हो गया, इतना फर्क पड़ गया इतने धूप में काम करने से। क्या काम किया यार ये, क्या है ये? मजदूर रुक गए, अभी से हैंग हो गए, जा उनके सॉफ्टवेयर वेट कर जरा, उनकी चाबी घुमा जी। ओके जी, आज का हमारा सारा काम हो गया बाइंड अप, और ये एरे वगैरह आपके सामने कुछ जगहों पे रोड़ी बस भी रह गई है, वो फिर कर डालेंगे। बाकी सामने मजदूर जो है सोलर प्लेट लेके जा रहे हैं, मैं अभी चल रहा हूँ घर,
घर चल के इनसे हिसाब करते हैं। कल जुम्मा है, कल इन लोगों ने आना नहीं है, और ऊपर से दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद ईद है, तो देखें। मुझे नहीं लगता कि अरे हो पाएंगे कवर, क्योंकि कल भी उन्होंने आके कुटाई वगैरह करनी है। तो खैर चलें, घर चलते हैं। हम लोग घर पहुंच गए, मजदूर अभी पता नहीं कहाँ रह गए। क्यों थका बेटा? काम कर कर के। हाँ रोना, कुछ काम कर कर के पता थक जाओ, रोना होता है। वाह प्लाट की मसरूफियत के बाद आज मेरा दिल था कि दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो अभी हम लोग जो है आ चुके हैं हमारे फेवरेट दमाजिद होटल पे, और यहाँ पे मैं हूँ, बिलावल नहीं है, खैर वारिस है और उमैर है, और हम लोग आए हुए हैं आज यहाँ पे। हम लोगों ने पराठे शराठे ऑर्डर किए हैं, कबाब ऑर्डर किए हैं। ये आप मुझे भी देख सकते हैं, मेरी हालत, मेरा रंग जो है वो साफ नज़र आ रहा है, मेहनत कर करके प्लाट के ऊपर। खैर कोई नहीं, अब मकान तामीर तो कराना है। यहाँ की चाय ज़बरदस्त है, यहाँ के पराठे ज़बरदस्त हैं, ये जगह ज़बरदस्त है, और ख़ुद हम बड़े ज़बरदस्त हैं। ओके जी, तो गुड मॉर्निंग। हम लोग सुबह सुबह रवाना हो रहे हैं डेरा बखवाली रोड से होते हुए गोट नूर बख्श जो है वहाँ पर बस्ती भटियाँ में डॉक्टर सुमैरा मलिक साहिबा जो है, जिनकी वालदा वफात पर आ गई थी, उनका जो रस्म कुरखानी जो है उसमें हम लोग आए हुए हैं। और आज जुमे का दिन है, आज मज़दूरों की छुट्टी थी, प्लाट पर आज काम नहीं था, तो हम लोग सुबह सुबह आए हुए थे बावलपुर। हमने कुरखानी के अंदर शिरकत की थी, और जो वर्सा हैं उनसे मुलाकात की थी, उनसे इजहार ताज़ियत की थी। अल्लाह पाक मरहूमा को जन्नत और फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। ये जन्नत में मेरे दर्जे के बुलंद होने का सबब क्या है, इसकी रीजन क्या है? तो अल्लाह पाक फरमाता है, हाँ बंदे, ये अमल तूने नहीं किया, ये अमल तेरा नहीं है, बल्कि ये अमल तेरी उस औलाद का है जो तू दुनिया में छोड़ के आया है, ये अमल तेरे उन घरवालों का है जो तू दुनिया में छोड़ के आया है। अभी जुमा है, और पहले हम लोग गए हैं बावलपुर, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह पर, थोड़ी नक्शे की चेंजिंग करवानी है हमने, अभी नक्शे वाले साहब के पास चल रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पर मलिक अकरम साहब के ऑफिस पहुँच चुके हैं, और मलिक अकरम साहब से हमने पहले बात कर ली थी कि हम आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें नक्शे में चेंजिंग कराने। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग आ जाए। मैं उसी कूलर के आगे बैठ गया हूँ जिसके आगे मैं लास्ट टाइम बैठा था, जिसकी कोई ठंडी हवा नहीं आती। खैर हमारा ये था कि हमने जो अपनी बैठक है उसके अंदर थोड़ी एक नुक्कर थी, उसको चेंज करवाना था। उस नुक्कर के बाद, बैठक के नुक्कर के बाद जो है पीछे वाला जो गिराज है, छोटे वाला गिराज, उसके साथ हमने एक चीज़ का एडिशन कराना था, और एक दो कमरे थे उनकी लेंथ हमने बढ़वानी थी, गैलरी थोड़ी छोटी करवानी थी, तो वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें, और फ्रंट जो गिराज है उसको बड़ा करवाना था। फ्रंट गिराज के जो लॉन है, लॉन के ऊपर जो छत आ रही थी, छत की पहले जो खुलाई थी वो ज़्यादा थी, अब जो हमने थोड़ी कम करवाई है। तो यही बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जिसमें हमें थोड़ा लग रहा था कि ये चेंज करवानी चाहिए, तो वो चेंज करवाने के लिए आए हुए हैं, और अभी काफ़ी टाइम हो गया हमें आए हुए।